नमस्कार दोस्तों, द लीसेम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो बीपीएससी ने करवाया है, हायर सेकेंडरी स्कूल का सोशियोलॉजी का जो पेपर है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन को देखते हुए मुझे लगा कि हम इसको यूट्यूब पर सॉल्व करवा दें ताकि सभी लोगों तक ये क्वेश्चन पहुँचाए और इनके जो वास्तविक आंसर है, जो सत्य आंसर जो आयोग ने बताए हैं उनको, और कुछ जो एडिशनल जो पॉइंट होंगे हम उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आज ये पेपर पर। ये पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ है, 26 तारीख को बिहार में हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए हुआ है, सोशियोलॉजी का पेपर है। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम विशुद्ध समाजशास्त्र की बात किसने की है, यानी प्योर सोशियोलॉजी की बात सबसे पहले किसने की है। तो आपको याद रखना है, ये सबसे पहले प्योर सोशियोलॉजी की बात करते हैं हमारे वार्ड साहब, करते हैं लेस्टर एफ वार्ड। लेस्टर एफ वार्ड ने प्योर सोशियोलॉजी की सर्वप्रथम बात की। मानव समाज का विज्ञान अभी अपनी शैशव अवस्था में है। मानव समाज का विज्ञान अभी क्या है, प्रारंभिक अवस्था में है या शैशव अवस्था में, शिशु अवस्था में, इस प्रकार की बात रेड क्लिफ ब्राउन करते हैं। अब जो लोग मुझसे क्लास करते हैं, जिन लोगों ने रेड क्लिफ ब्राउन मुझसे पढ़ा हुआ है या मेरा लेक्चर देखा है, तो उन्हें ये क्वेश्चन आ गया होगा। पहले वाला भी आ गया है, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी से पूछा गया है और ये लेटर ब्राउन से पूछ लिया गया है। ठीक, अब इसमें पूछा गया है कि पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रारूप प्रतिरूप क्यों माना जाता है, या प्रतिरूप नाम किसने दिया। पूर्वगामी सर्वेक्षण को हम लोग कहते हैं पायलट स्टडी, यानी अपनी शोध प्रारंभ करने के पहले की शोध को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रारूप किसने माना है। तो ये मूजर ने माना है, और मूजर की पुस्तक का नाम है इन्वेस्टिगेशन, उनकी पुस्तक में एक आता है इन्वेस्टिगेशन। तो ये मूजर ने ये परिभाषा दी। समाज का विशेष रूप से, समाज का विशेष, समाज की विशेषता है, समाज की विशेषता क्या है, एक रूपता एवं विविधता का अभाव। तो विविधता का तो अभाव नहीं होता है समाज में, यानी ये गलत हो जाएगा। अलगाव भी समाज में नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन, साझा मूल, साझा मानदंड, मूल और सांस्कृतिक प्रथाएं। तो समाज की विशेषताएं होती हैं साझा मानदंड, मूल और सांस्कृतिक प्रथाएं। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल। सोशियोमेट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये किया है आपके जे एल मोरेनो ने। जे एल मोरेनो की पुस्तक है हु शैल सर्वाइव, उसमें उन्होंने सोशियोमेट्री यानी समाज मिति शब्द का प्रयोग किया था। और इस समाज मिति के एक प्रकार का पैमाना है जो एक समुदाय के मध्य रहने, एक समुदाय में रहने वाले लोगों के बीच निकटता और दूरी का पता लगाता है। अब हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के तीन तत्व, बी फीलिंग यानी हम का भाव बताया है, भूमिका के पालन का भाव बताया है और आश्रिता का भाव बताया है। तो इस प्रकार की बात जो समुदाय के लिए करते हैं, और जो समुदाय के लिए तीन तत्व बताए हैं, वो बताए हैं मैकाइवर एवं पेचमैन। किसने बताए हैं, मैकाइवर एवं पेचमैन। अब हमारा आता है 47 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें है कि समुदाय की भावना, समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है किसी समुदाय की भौतिक सीमा और भौगोलिक स्थिति। तो ये तो नहीं होता, हो सकता है समुदाय की भावना का अर्थ सीमा से नहीं है। एक समुदाय के भीतर अकेले अपनेपन, हाँ, किसी समुदाय के भीतर जो समुदाय की भावना होती है, इसमें अपनेपन का भाव होता है, जुड़ाव होता है और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा होती है। तो एक समुदाय का जो अर्थ है उसमें क्या है, अपनेपन का भाव है, बी फीलिंग उसमें होती है। अब हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है, 48, इसमें क्या कहा है कि जब हम किसी संगठित समूह पर विचार करते हैं तो वो समिति बन जाती है, यानी एसोसिएशन हो जाती है, जब हम संगठित समूह की बात करते हैं। और यदि कार्य प्रणाली के रूप का पर विचार करते हैं, या कार्य प्रणाली के रूप पर विचार करते हैं, तो वह संस्था कहलाती है। और इस प्रकार की परिभाषा या इस प्रकार का व्याख्यान किसने किया है, तो आपको बिल्कुल आंख मीच के मैकाइवर एवं पेज लगा देना है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, और उसमें कहा गया है कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। इस प्रकार की बात जो करते हैं वो लेसली करते हैं प्रतियोगिता के लिए। ये सब डेफिनेशन पूछी गई है इसमें, तो थोड़ा सा याद रखना है कि
प्रतियोगिता को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, प्रतियोगिता को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के या सामूहिक प्रयास जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है उसे, जी आर लेस्ली ने इस प्रकार की परिभाषा दी। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार 50 क्वेश्चन देखिए और आईएमपी है। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो बड़े समाज यानी शहरी समाज के साथ साथ बातचीत करते हुए पारस्परिक मूल और प्रथाओं को मजबूत बनाते हैं। तो इसमें तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जेमिन साफ्ट एवं जैसन साफ्ट आप कहेंगे ये टोनिच का कॉन्सेप्ट है, और बचा हुआ आपका लोक शहरी सात्यता यानी कंटिनम रूरल अर्बन कंटिनम की बात कौन करता है, हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड करते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो इसमें कोई ज्यादा बात नहीं थी। अब हम देखते हैं 51 क्वेश्चन, और 51 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की बात कौन करता है। तो इस प्रकार की बात, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, जिमरमैन ने इस प्रकार की बात की हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 2007 में, आपको याद रखना है कि 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित किया गया। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि स्वैच्छिक समिति यानी वॉलेंट्री जो आपकी एसोसिएशन की बात हो रही की अवधारणा का अर्थ है। देखो स्वैच्छिक समिति राजनीतिक वकालत करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। स्वैच्छिक समिति कानूनी रूप बिल्कुल नहीं, साझा हितों या शौक के आधार पर अनौपचारिक समिति है, तो अनौपचारिकता का तो कोई मतलब नहीं है, यानी हम कह सकते हैं इसमें कोई भी सही नहीं, ठीक। अब हम देखते हैं आपका 54 क्वेश्चन। 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, दिव्यांगता दिवस, इनको दिव्यांग विकलांग 2014 के पहले इन्हें विकलांग शब्द किया जाता है, लेकिन फिर मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि विकलांग की जगह हम लोग दिव्यांग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। अब इसकी कैटेगरी 21 कर दी गई है, ठीक है, आरक्षण भी बढ़ा दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है। ये जब रेड क्लिप ब्राउन पढ़ाया है तो सीधा ये डेफिनेशन को लिखाया गया है कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। इस प्रकार की बात हमारे रेड क्लिप आपके ब्राउन साफ करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हार्वर्ड एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सांस्कृतिक अंतःक्रिया को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है। तो हार्वर्ड ने इसके लिए गहरी संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति के बीच ये 4 अंतर किसने बताए हैं। तो ये सभ्यता और संस्कृति के बीच जो ये 4 अंतर हैं, ये आप देख लेना, पढ़ लेना, बहुत ही आसान है। तो इन प्रकार के अंतर जो हैं वो हमारे मैकाइवर एवं पेज ने बताए थे, ठीक। 58 हमारा क्वेश्चन है कि संपूर्ण समाज सामाजिकरण के लिए अभिकरण का काम करता है। संपूर्ण समाज, पूरा समाज सामाजिकरण के लिए क्या है, एक एजेंसी का काम करता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में सामाजिकरण का एक एजेंट होता है। इस प्रकार की बात जो सामाजिकरण से संबंधित जो डेफिनेशन दी है या ये जो कथन है, ये आपके फिक्टर महोदय का है, जी एच फिक्टर ने इस प्रकार की परिभाषा दी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक अधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है। तो सांस्कृतिक अधिपत्य की अवधारणा जो है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, तो यही तो हेजिमनी हुई, कल्चरल हेजिमनी, जहां पर प्रमुख संस्कृति की मान्यताओं और अन्य मूल आदर्श बन जाते हैं। तो इसका पहला कथन ही सही है, ना कि दूसरा कथन। सांस्कृतिक अधिपत्य कल्चरल हेजिमनी का जो अभिप्राय है या अवधारणा संदर्भित करती है, तो एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति पर प्रभुत्व
जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल आदर्श बन जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में विभाजित किया है? तो एक पूरा चैप्टर ही है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल जो पुस्तक है वो ए.ई. रॉड्स की है, ठीक है। सोशल कंट्रोल, उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात की है। तो इस प्रकार की बात हमारे कार्ल मैनहीम करते हैं, ठीक है। कार्ल मैनहीम है, किम्बल यंग है, कूले है, इन सब लोगों ने सामाजिक नियंत्रण की बात की है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा वरना मैं ये सब सारा यहाँ बता देता, लेकिन क्वेश्चन बहुत है इसलिए बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल प्रश्न प्रश्न पढ़ लेते। प्रौद्योगिकीय विलंबना, प्रौद्योगिकीय विलंबना की जो बात करते हैं, देखो बहुत से लोगों ने इसमें क्या किया, इसको प्रौद्योगिकी विलंबना को सांस्कृतिक विलंबना से जोड़ के ऑगमन एवं निपटॉप लगाया। नहीं, गौर करना है कि इसमें प्रौद्योगिकी विलंबना की जो बात करते हैं वो करते हैं हमारे मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने प्रौद्योगिकी विलंबना की बात की है। 62 हमारा क्वेश्चन है कि समाज में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन कब होता है? अगर आप एक अच्छे समाजशास्त्री हो तो आपको पता ही होगा कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब है जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है, समाज की संरचनाओं में परिवर्तन होता है, तो हम उसी को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोक नगरीय नैरत्य यानी आपके रूलर अर्बन कंटिनम की बात कौन करते हैं? ऊपर अपन क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड ने इस प्रकार की बात की है। ग्रामीण नगरीय सातत्यता की बात किसने की है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है? अगर आप देखो जो हमारे स्टूडेंट हैं सुन रहे होंगे उन्हें तो ये मैं डेफिनेशन लिखा ही चुका हूँ कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है और इस प्रकार की बात करते हैं। हमने कहा था मैगी और ये है मैकी, ठीक है। वही से मतलब ट्रिक बनाई थी कि बैलून की बात शहरी समाज के लिए मैगी कर रही है यानी मैकी कर रही है, तो आपको ये याद रखना है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को संदर्भित करता है जो आपकी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। इस औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में आप क्या करेंगे, समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक मानदंड और मूल्यों का अंतरीकरण, नहीं ये औपचारिक नहीं, ये तो अनौपचारिक प्रक्रिया हो जाएगी। व्यवहार को विनियमित करने के लिए अनौपचारिक का कोई मतलब ही नहीं है औपचारिकता से। सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं और कानूनों के विनिमय का उपयोग, बिल्कुल सही है, यानी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के लिए समाज नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानून और विनिमय का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें मतलब गलत नहीं होना चाहिए। 1993 में इसको किया गया था। भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए कल्पना ही संभव नहीं है, इस प्रकार की जो बात है, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोफेसर कहीं से भी जो कथन मिलता है, कोटेशन मिलता है, वो लोग लिख देते हैं। ये आपका है रिचर्ड इस मिट्स का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए कल्पना भी संभव नहीं है, यानी पश्चिम वादियों के लिए। कल्चरल शॉक का मतलब है, यानी शॉक यहाँ पर है, कल्चरल शॉक क्या है? एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव एवं बेचैनी का अनुभव ही आपका कल्चरल शॉक कहलाता है। जब नई संस्कृति आती है तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं, नई संस्कृति भटका और बेचैनी का अनुभव करते, तो कल्चरल शॉक की शॉक का अर्थ ये है। अब थोड़ा और देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक आपके बीपी मेनन है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक आपके बीपी मेनन। हिंदू विवाह एक संस्कार है, भाई ये तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसकी बात करते हैं आपके KM कपाड़िया। नेक्स्ट हमारा है, किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसातकरण की बात की है? प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसातकरण की बात की है मिल्टन गार्डनर ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसातकरण की बात की है। इसके बाद हमारा आता है नातेदारी के संबंध में यह किसने कहा है कि यह एक छड़ी है
जिसके सहारे व्यक्ति अपना जीवन, जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है। कौन? नातेदारी को छड़ी के रूप में किसने कहा है? तो नातेदारी की छड़ी के रूप में व्याख्या रेमंड फर्तने की है। ठीक है, ये बहुत, इसमें कुछ डेफिनेशन तो बहुत अच्छी है, नहीं है और वो हमें आना चाहिए। किसने जाति के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है और कहा है कि इसमें अनुवांशिक सदस्यता होती है जाति में, अंतः विवाह होती है और सामाजिक अंतः क्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान होते हैं। इस प्रकार की जो बात जाति के लक्षणों में की है वो ऑपलर मैरिस ने की। अक्सर वैसे तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएस बुरिए ने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं, वहां से एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, लुईस ड्यूमा और आपका इरावती कारवे से, लेकिन इसमें इन्होंने ये नया क्वेश्चन जोड़ दिया है कि मैरिस ऑपलर ने जाति के किन किन प्रतिमानों की बात की। अल्प उपयोग या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को, मैं 74 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्र को जीवन कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी इसमें कह रहे हैं शहरी क्षेत्र को जीवित कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अब इसे पुनर्जीवित करने के लिए यानी फिर से सुधारने के लिए उसे शहरी नवीनीकरण कहते हैं। शहरी नवीनीकरण के द्वारा क्या होता है, हम शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने इसके लिए अभी दीनदयाल उपाध्याय शहरीकरण से संबंधित कई इन्हीं के नाम से कई योजनाएं भी चलाई। 74 हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? इस प्रकार की बात राम आहूजा करते हैं, आपको ये याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है, यानी संपदा का उल्लेख किया है, परिवार और नातेदारी का, आवास का, आवास की अवधि का और व्यवसाय, शिक्षा तथा धर्म का? इस प्रकार की जो आपकी बात करते हैं वो बी स्ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, इसमें लगाओ बी स्ट्रीट ने इस प्रकार की बात 7 मानदंड बताए हैं वर्ग के। अब हम इसमें और देखेंगे कि इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक उपापचय, ठीक है, सोशल मेटाबॉलिज्म की अवधारणा क्या है? तो सामाजिक पारिस्थितिकी में जो ये है, इसका मतलब है मानव समाजों में संसाधनों के प्रभाव, मानव समाजों में संसाधनों के प्रभाव और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 78 78 है कि कौन सा अधिनियम भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने, अरे ये तो 1985 का कानून है, साई नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स सब स्टेटस एक्ट। अब इसके बाद जो हमारा नया क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन है, 33% की आरक्षण की बात कब की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये आप सबको आता है, ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन सोशियोलॉजी का रीजनल सोशियोलॉजी हम कहेंगे इसको, ये वहां से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? ये 1993 में प्रारंभ की गई है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना आपकी कब प्रारंभ की गई थी? ये 1975 में प्रारंभ की गई थी, एकीकृत बाल विकास योजना 1975। घोटुल जो है परंपरा, घोटुल की जो परंपरा है, ये युवा लड़के और लड़कियों को छात्रावास में एक साथ, देखो तो ये गोंड में तो पाई जाती है, बिल्कुल पक्का ही है, संथाल में और मुरिया में, इसलिए हम इसको कहेंगे एक से अधिक, यानी घोटुल का जो ट्रेडिशन है वो संथाल और गोंड दोनों में पाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 84 84 क्वेश्चन है हमारा,
सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? गॉफमैन की तो नहीं है, प्रचांड की नहीं है, तो बचा कौन? अन्ना उगले, और वैसे ही यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप वैसे भी लगा सकते। धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी, यह समाजशास्त्रीय प्रगटना है और साथ ही व्यक्तिक अनुभव भी। अब बस व्यक्तिक अनुभव आ गया तो आप कहेंगे व्यक्तिक, व्यक्तिक प्रकारवादी कौन है? मेलिनोवस्की है, ठीक है, बस यहाँ से हम पकड़ लेंगे। तो ये मेलिनोवस्की की परिभाषा है 85। फिर है द्रविण रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी के लिए रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, आयोग ने इसमें अथाई शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हमें याद रखना है, आने वाले पेपर में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना धर्म ही है? ये इस प्रकार की बात अरविंदो करते हैं, ये अरविंदो घोष है जो जिन्होंने पौंडिचेरी में आश्रम बना लिया था, उन्होंने इस प्रकार की बात की है कि धर्म युद्ध में धर्म के शत्रुओं को मारना धर्म का ही एक अंग है। अब सांप्रदायिकता के 6 आयाम, दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत बार आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, यूजीसी भी इसको 2 बार पूछ चुकी है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि सांप्रदायिकता के जो 6 आयाम है, यानी आत्मसात्कारी सांप्रदायिकता, कल्याणकारी सांप्रदायिकता, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी और पृथकवादी, ये टीके उमन है और ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके नोट्स पे लिखा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे प्रश्न है 89वां, किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन इंडिया पुस्तक में समकालीन भारत में जाति सुदृढ़ता के लिए जाति सुदृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल की है? तो बस पुस्तक से ही पता चल गया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक अपने एम एन श्रीनिवास जी की पुस्तक है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाएगा। 90 हमारा प्रश्न है, इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य में देख, अब देखो बस प्रॉफिट एवं सेक्रेट की बात आ गई तो हम तो पहचान ही लेंगे, ये हमारे दुर्खीम जी के पास, दुर्खीम जी इसकी बात कर। नातेदारी अणु की बात किसने की है? तो नातेदारी अणु की बात लेव स्ट्रॉस ने की है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है और इसमें जाति व्यवस्था की जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से इसमें व्याख्या की गई है, तो गुलामगिरी जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति है इसमें अनुभाविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? लोग कंफ्यूज होकर इसमें मेलिनोवस्की लगा सकते हैं, लेकिन याद रखना है मेलिनोवस्की नहीं है, इसमें फ्रेजर आएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का अनुभाविक अध्ययन। अब पिछड़े हुए हिंदू शब्द जनजातियों के लिए किसने प्रयोग किया है? तो इसमें पिछड़े हुए हिंदू शब्द का प्रयोग आपके जीएस गुरिये ने किया है, बैकवर्ड हिंदू जनजातियों के लिए। संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो भाई संस्कृतिकरण आ गया, अब तो अब इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की बात की। अगला हमारा क्वेश्चन है 96, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई है? कब की गई है? तो 2004 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की मतलब आयोग की स्थापना की गई है। विवाहिक बंधन सिद्धांत की बात कौन करता है? लेव स्ट्रॉस से, लगता है एग्जाम बनाने वाला बहुत पूछता, कई क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं लेव स्ट्रॉस से, ठीक। 98 में हमारा क्वेश्चन है कि भारत में अपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रित मॉडल का बात किसने की है? तो ये किए हमारे रामचंद्र रणजीत गुहा ने, क्योंकि जो गायत्री इस चक्रवर्ती स्पीपॉक है ये करते हैं मूड ऑफ प्रोडक्शन पर बात करते हैं ये, और आपके जो एंटोनियो ग्राम्सी हैं ये हेजेमनी की बात करते हैं, तो इसमें हम ऐसे ही पहचान लेते हैं कि रंजीत गुहा इसका आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध 12 जून को मनाया जाता है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब का है? ये 1988 का है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 का है। मिस्टेकन मॉडर्निटी दीपांकर गुप्ता, मैंने कई बार पढ़ाया है, मिस्टेकन मॉडर्निटी में दीपांकर गुप्ता ने बताया है
कि जिसको आप मॉडर्निटी मानते हो वो मॉडर्निटी, दीपांकर गुप्ता कहती हैं अपने पुस्तक में कि मॉडर्निटी बहुकारकीय नहीं हो सकती, बहुपक्षीय नहीं होती है, मॉडर्निटी तो मॉडर्निटी है, हिंसात्मक स्वरूप मॉडर्निटी नहीं है। और उन्होंने जिस हम पश्चिमीकरण शैली को हम आधुनिकता मानते हैं वो कहती है ये तो पश्चिम का विशैलाकरण है आधुनिकता की, ये अपने संदर्भ में बात करती है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतरेंगे क्योंकि फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब 102 क्वेश्चन है कि शरीर और व्यक्तित्व की प्रकारात्मकता पर अत्यधिक मदरापान के प्रभाव को मदपान कहते हैं। अरे इस प्रकार की बात तो हमारे रैकलेस कहते हैं। रैकलेस की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी और यह अपराध के लिए गठित की गई थी, अपराध के सुधार के लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है, बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है, इस प्रकार की बात कीन्स ने की है कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट की परिघटना क्या है, इसका मतलब है कि जो शहरी क्षेत्र ऐसे आइलैंड बन रहे हैं कि जिनका इफेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ता है, यानी शहरी क्षेत्र के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि की घटना को हम अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहते हैं। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी, भारतीय समाज ये वाला प्रश्न है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं है, और इस प्रकार की बात A.R. देसाई ने की है। A.R. देसाई से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इन्होंने तो एक ही पूछा है। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक था, धार्मिक माना जाता था, अब वह वैसा नहीं है, इस प्रकार की बात हमारे M.N. श्रीनिवास ने की है, क्योंकि M.N. श्रीनिवास का पश्चिमीकरण उनका कॉन्सेप्ट है, लौकीकरण उनका, क्योंकि ये आपकी धर्म निरपेक्षता को तार्किकता से जोड़ते हैं, ठीक है, व्यक्ति जो इंडिविजुअलाइजेशन जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया से इन्होंने धर्म निरपेक्षीकरण को जोड़ा है, यानी इन्होंने रैशनैलिटी के साथ धार्मिक धर्म निरपेक्षता को जोड़ने का काम किया है। 107 हमारा जो प्रश्न है इसमें भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य है, जो उपनगरीकरण है यानी सब अर्बनाइजेशन है, इसका मतलब है कि कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण हो जाना, यानी मान के चलो ये शहर है, इस शहर के पास की जितनी भी कृषि योग्य भूमि थी उन पर आप देखोगे इंडस्ट्री बन रही है, नए नए प्लॉट बन रहे हैं, ये सब क्या है, उपनगरीकरण की इसको प्रक्रिया कहा जाता है। किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग कहा, ये आंद्रे बेतई ने कहा है, पिछड़े जो कृषक वर्ग है इसको पिछड़ा वर्ग की संज्ञा आंद्रे बेतई ने दी है। 109 हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये 102 मा संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या है, राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। शहरी ग्रामीण सात्यता या निरंतरता, अभी आप गौर करोगे तो ये तीसरी बार प्रश्न एक ही उसमें पूछा जा रहा है एक ही एग्जाम में, तो शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ है कि आपका जो शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार की प्रक्रिया, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एकीकरण, विशुद्ध रूप से शहर से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की, आयोग इसको ही मान रहा है कि विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की वस्तुओं का एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व। इसका मतलब वैसे तो ग्रामीण शहरी सत्यता का मतलब होता है कि शहरी समाज के कुछ लक्षण ग्रामीण समाज में दिख जाना और ग्रामीण समाज के कुछ लक्षण शहरी क्षेत्र में दिख जाना, यही कंटीनम है, यही उनमें सत्यता है, यही रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट। अगला हमारा प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई थी, तो उद्यम पूंजी कोष की स्थापना आपकी की गई थी 2014 में, क्या किया गया, उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में की गई, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना। शहरी गरीबी का मतलब होता है कि विशिष्ट शहरी गरीबी का मतलब होता है विशिष्ट शहरी
पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता, विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता को ही शहरी गरीबी की संज्ञा दी जाती है। अब ये परिभाषा बहुत अच्छी लगी मुझे 114 नंबर पे है कि किसने कहा है कि समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान और समाज के बीच एक पुल का कार्य करती है। ये रॉबर्ट बी ये सॉरी रॉबर्ट बी रिस्टीड ने ये रॉबर्ट बी रिस्टीड का ही कथन है, बिल्कुल सही है कि समाज मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान और समाज के बीच पुल का कार्य करती है। 115 हमारा क्वेश्चन है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृद्धि का प्रादुर्भाव तीन कारकों से होता है, जिज्ञासा, उर्वर कल्पना, प्रयोगात्मक परीक्षण। और इस प्रकार की जो बात है ये की गई है आपके जॉन डीवी के द्वारा। जॉन डीवी ने व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृद्धि का प्रादुर्भाव तीन कारकों से बताया है, जिज्ञासा, उर्वर कल्पना और प्रयोगात्मक परीक्षण। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन, अरे भाई ये तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, 73 में संविधान संशोधन, और एक ही चीज बार बार ये लोग क्यों पूछ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अगला हमारा प्रश्न है, सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो भाई बीको थे। सर्वप्रथम बात किसने की है? बीको ने। मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है, इस प्रकार की बात आपके किंग्सले डेविस करते हैं, कहते हैं कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहता है और इसको एक प्रक्रिया मानते हैं। निम्नलिखित में से सॉरी हमारा जो 119 में क्वेश्चन है वो है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सा आयोग उत्तरदायी है? तो भाई कोई भी बता देगा, बलवंत राय मेहता समिति। तीन स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की थी। 120 हमारा प्रश्न है कि एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं, इस प्रकार की बात हमारे फिक्टर महोदय ने। तो आज हमने जो बीपीएससी ने एग्जाम करवाया है, बीपीएससी ने जो सोशियोलॉजी का हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए एग्जाम करवाया है वो हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। सारे आंसर जो है वो आयोग की आंसर की के अनुसार मैंने आपको बताए। इसके साथ यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा संपर्क नंबर है 7905663628। आप इस पर जुड़कर हमारे साथ UGC NET सोशियोलॉजी और GRF के लिए तैयारी कर सकते हैं। और किसी जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इसमें जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। UGC NET SET एग्जाम के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें और हमारे ऑफलाइन बैच यानी गूगल मीट पर जो हम बैच पढ़ाते हैं उससे जुड़िए। अब कोई जैसे ही नया पेपर आएगा तो मैं उसका फिर से डिस्कशन करूंगा। आज के लिए इतना ही।